हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व TYBAF अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर। उसमें क्वेश्चन नंबर 4A1, ठीक है, कस्टम ड्यूटी का क्वेश्चन है। एकदम छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेएबल अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इंक्लूडिंग द सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी कितना बोला है? 25% जो बोला है वो समझ लेना, ठीक है। अंडर सेक्शन 8B सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगता है? ताकि जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो सेफ रह सके अंडर कस्टम्स, ठीक है। ऑफ द सेड एक्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय द इम्पोर्टर। पहला एसेसेबल वैल्यू लिखा है ऑफ फाइबर ग्रेन्यूल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम 3 डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग जुलाई 2022। तो एसेसेबल वैल्यू है 25 लाख, ये इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ फाइबर ग्रेन्यूल्स, ये टाइम पास लाइन है, ठीक है। तो ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, ये कुछ किधर लिखना नहीं है, ये इससे रिलेटेड है सेफगार्ड ड्यूटी। अब ये 10% है तो उसके वजह से सेफगार्ड ड्यूटी अप्लाई होगा, क्योंकि आपका इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो खतरे में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन ये कहां पे लिखना नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर बोला है BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% निकालोगे। IGST लगता है इंपोर्ट के ऊपर, IGST लगता है, ध्यान में रखना, 12% आएगा। SWS बोलते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो BCD का 10% आता है, ठीक है, ध्यान देना। ये बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा 10% बोलते हैं, बट BCD का 10%, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करेंगे, आपको समझेगा, ये शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके हाथ में 8 मार्क्स है, ठीक है। चलो देखते आगे, ये इसका सोल्यूशन है, छोटा सा सोल्यूशन है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखो क्विकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल, सबसे पहले क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एसेसेबल वैल्यू जो क्वेश्चन में था कितना है, 25 लाख, वो लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें ऐड होगा BCD 10%, तो 25 लाख का 10% कितना आता है, 2,50,000, ठीक है, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। SWS क्या आता है, जैसे मैंने बोला था 10% बोला है, बट इसका 10% नहीं आएगा दोस्तों, किसका आएगा, BCD का 10%। तो ये जो 25,000 है, एरो मार्क कर रहा हूं, ठीक है, इसका 10% आता है। SWS इज 10%, बट 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसका नहीं, BCD का 10% आएगा, ठीक है। लास्ट वाला SGD दैट इज सेफगार्ड ड्यूटी 25% बोला है, तो ये आएगा 25 लाख का 25%, ठीक है, एरो भी मार्क किया, तो 25 लाख का 25% आएगा, 6,25,000, ध्यान में रखना। क्या किया मैंने, एसेसेबल वैल्यू लिखा, BCD इसका 10% निकाला, BCD 25 लाख का, SWS 2,50,000 का 10% निकाला, सेफगार्ड ड्यूटी 25 लाख का 25% निकाला, ठीक है। सो ऐड करोगे सबको, यू विल गेट टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर IGST, क्योंकि इसके ऊपर अभी IGST लगेगा, 34 लाख है, उसका IGST आता है 12%, तो 34 लाख का 12% मैंने निकाला, कितना आता है, 4,08,000, इसमें 4,08,000 ऐड किया, सो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, तो दोनों को ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट आता है 38,08,000, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। लास्ट में आपको पूछा है टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, अभी आपने टैक्स कौन कौन सा पे किया, तो यहां पे आपको दिख रहा है आराम से, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, मार्क किया मैंने, अभी ये चारों को ऐड कर देगा, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, BCD, SWS, SGD एंड IGST, चारों को ऐड किया, टोटल कस्टम ड्यूटी कितना पे किया, 13,08,000, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स आपके हाथ में, एंड पासिंग के लिए ये 8 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग भागवे सर्स नंदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।